सो हाउ आर यू, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे। तो वापस से हमारा नया लेक्चर आ चुका है, हम लोग स्टडी करते रहेंगे ऐसे ही। तो आज का जो लेक्चर होगा वो अगले लेसन पे, दैट इज स्टडी ऑफ साउंड, लेसन नंबर 12 पे होगा, क्लास 9 स्टैंडर्ड का। तो आई वेलकम एवरीवन टू आवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टडी ऑफ साउंड, दैट इज हम लोग साउंड के बारे में डिस्कस करने वाले, एंड वी आर गोइंग टू सी कि ये जो साउंड होता है ये किस तरीके से दिखता है, ये साउंड किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट साउंड। इसका मतलब है कि ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है। सो वेलकम वंस अगेन, लेट अस बिगिन। ओके, तो ये जो चैप्टर है आपका स्टडी ऑफ साउंड, इसके अंदर हम लोगों को साउंड के बारे में स्टडी करना है। तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली साउंड क्या होता है, राइट? तो ये जो साउंड है, आपको पता है बेसिकली अगर कोई भी चीज जहां से साउंड निकल रहा है अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो चीज वाइब्रेट होता है ना? या तो हम लोगों को साउंड कहाँ से सुनाई देता है, एक हमारे पास घर में अगर होम थिएटर है तो हम लोगों को साउंड बॉक्स में साउंड सुनाई देता है। तो हम देखते हैं कि होम थिएटर के अंदर जो मटेरियल होता है या जो सिस्टम होता है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो होम थिएटर खुद वाइब्रेट होता है, राइट? तो ये जो साउंड होता है ना कहीं इसके पीछे जो रीजन छुपा हुआ, दैट इज वाइब्रेशन। तो ये साउंड को समझने के लिए हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा एक्चुअली ये जो साउंड है ना वो है क्या। ओके, तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह की तरफ ट्रैवल होता है, और इसको ट्रैवल करने के लिए ना मीडियम की जरूरत होती है, किसी चीज का ये हेल्प लेता है एक जगह से आगे बढ़ने के लिए, राइट? तो पहले हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो साउंड होता है ये किस तरीके का दिखता है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, और इनके अंदर और क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो लेट अस सी। तो जब भी आपके पास कोई सोर्स होगा साउंड का, जहां से भी साउंड बनता होगा, एक आपके पास लाउड स्पीकर होगा, होम थिएटर होगा, कोई पर्सन है वो चिल्ला रहा होगा, कुछ बोल रहा होगा, राइट? तो वहां से आप लोगों को क्या सुनाई देगा, साउंड सुनाई देगा। तो ये साउंड किस तरीके से बाहर निकलता है हम लोगों को उसको समझना है, उसके लिए हम क्या समझेंगे, मीडियम को समझेंगे, राइट? तो सपोज साउंड अगर यहां पे मेरे पास कोई एक साउंड बॉक्स है, ओके, कोई एक साउंड बॉक्स है, इसमें से साउंड प्ले हो रहा है, राइट? तो जब साउंड प्ले होता है ना तो इसके अंदर से ना प्रेशर एनर्जी जनरेट होती है, ओके? ये जो साउंड बॉक्स है इसके अंदर प्रेशर एनर्जी जनरेट होती है, और ये जो प्रेशर एनर्जी होता है ना, ये प्रेशर एनर्जी इसके सामने जहां से एनर्जी जनरेट हो रही है उसके सामने वाले जो मीडियम होते हैं उनके पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस होती है ना, ये एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को लेके आगे बढ़ता है, जिसको हम लोग वेव भी कहते हैं, राइट? तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब ये आपका साउंड बॉक्स प्ले हो रहा है तो यहाँ के जितने भी मीडियम है, यानी कि यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स है, तो हम लोग इस एयर को क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे, राइट? तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स है आपके, ये सारे एयर के पार्टिकल्स है, राइट? तो ये एयर के पार्टिकल जो होते हैं ना, ड्यू टू दिस प्रेशर एनर्जी, यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी जनरेट हुआ है, इस प्रेशर एनर्जी के वजह से ये एयर के पार्टिकल जो होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे डिस्टर्ब होते हैं? तो जब इसके अंदर से प्रेशर एनर्जी निकलता है तो ये जो पार्टिकल है, ये जो इनिशियल पार्टिकल्स है, ये इनिशियल पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ के ड्यू टू डिस्टर्बेंस, ये प्रेशर एनर्जी इस पे प्रेशर लगाया और ये पार्टिकल अपना जगह छोड़ के ये इस पार्टिकल के पास आ जाते हैं, ये इस तरीके से, राइट? और यहां से जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ था इस पार्टिकल को, वो पार्टिकल जब इसके पास आएगा ड्यू टू प्रेशर, तो ये एनर्जी जो इसको मिला था वो एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, इससे कोलाइड होगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, और ये वाला पार्टिकल अब चल के यहां पे आ जाएगा, और ये जो पार्टिकल यहां पे गया था, देखो ये पार्टिकल जो यहां पे गया था ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आएगा, बट यहां पे रुकेगा नहीं बल्कि ये यहां पे चले जाएगा, राइट? अगला, अब ये पार्टिकल, इसने इसको कोलाइड किया था तो ये पार्टिकल एनर्जी लेके आगे चले जाएगा, ये यहां पे चले जाएगा, ये एनर्जी अपना इसको ट्रांसफर करेगा, कोलाइड करेगा, और ये पार्टिकल आगे की तरफ निकल जाएगा, और जैसे ही इसको टकराएगा ये पार्टिकल वापस से रिवर्स यहां तक आ जाएगा। आगे, अब ये पार्टिकल के पास एनर्जी आ गया, ये आगे जाएगा, ये एनर्जी लेके इसको टकराएगा, अपनी एनर्जी इसको देगा, और ये पार्टिकल आगे की तरफ निकल जाएगा,
और ये वापस से रिटर्न अपने जगह पे आ जाएगा। सेम थिंग हैपन विथ ऑल दिस, ये पार्टिकल यहां से एनर्जी लेगा और ये इसके पास जाएगा और इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, कोलाइड करेगा। ये पार्टिकल अब एनर्जी लेके आगे जाएगा, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, कोलाइड करेगा और इसको आगे की तरफ भेज देगा। जब ये कोलाइड करते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं और इसे आगे भेज के खुद वापस से रिटर्न आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये बेसिकली क्या कर रहे, अपने जगह से आगे जा रहे फिर रिटर्न आ जा रहे, अपनी जगह से आगे जा रहे रिटर्न आ जा रहे। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर यही चल रहा है। ये मॉलिक्यूल यहां पे गया रिटर्न आ गया, ये मॉलिक्यूल यहां पे गया रिटर्न आ गया, ये मॉलिक्यूल यहां पे गया रिटर्न आ गया। जब ये आगे बढ़ते हैं एनर्जी लेके, तो अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर रहे हैं और खुद रिटर्न आ जा रहे। इसका मतलब हर एक एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे, डिस्प्लेस कर रहे, वाइब्रेट कर रहे, ऑसिलेट कर रहे। तो जब भी आप साउंड एनर्जी की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका सोर्स साउंड था, इसके लिए यहाँ पे हम बोलेंगे एनर्जी जो आगे की तरफ बढ़ रहा है ड्यू टू कोलिजन, ये एनर्जी साउंड एनर्जी बढ़ रहा है। जो यहाँ से एनर्जी क्रिएट हुआ था वो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकल आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अंदर पार्टिकल्स अपने जगह पे ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वेव। दैट मींस साउंड इज ए वेव, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। और व्हाट इज वेव, हम बोल सकते हैं वेव एक एनर्जी है, देयरफॉर साउंड इज ए एनर्जी, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। तो यहां पे हमने देखा हर एक पार्टिकल एनर्जी लेके आगे जाता है और आगे जाने के बाद जिसको एनर्जी ट्रांसफर करता है कोलिजन से, उसको आगे भेज के खुद रिटर्न आ जाता है। तो हर एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं एंड एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वेव। तो ये हमारा जो साउंड है वो क्या है, एक वेव है। साउंड क्या है, एक वेव। तो मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे, देखो अभी ये पार्टिकल जो है ये इस तरीके से, तो मैंने बहुत कम पार्टिकल लिया, लेकिन पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्लियर। ये इनिशियल केस, जब ये पार्टिकल यहाँ पे जाके टकराते हैं, जैसे जब ये पार्टिकल यहाँ पे जाके टकराते हैं तो टकराने के बाद ये पास में आ जाते हैं, और जब ये दूर जाते हैं, देखो ये पार्टिकल इसके पास गया टकराएगा तो ये पार्टिकल पास हो जाएंगे। उसके बाद टकराने के बाद ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप जनरेट हो जाएगा, ये पार्टिकल इधर आ जाएगा, ये और ये देखो ये पार्टिकल इसको टकराया, ये आगे निकल गया और खुद रिटर्न आ गया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, गैप जनरेट हो जाएगा। फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो दूसरे वाले पार्टिकल से मिलेगा, राइट, करेक्ट। फिर ये थोड़ी दूर आगे निकल जाएगा, ये थोड़ी दूर आगे निकल जाएगा, वापस से गैप जनरेट हो जाएगा, फिर दूसरा जो पार्टिकल है उससे ये टकरा जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम बनते जाएगा। तो जस्ट सी, यहाँ पे जहाँ पे पार्टिकल क्लोज होते हैं, आप देख सकते हैं पार्टिकल क्लोज है, ये वाला सिस्टम, जहां पे पार्टिकल क्लोज होते हैं, ये सिस्टम जहां पे पार्टिकल क्लोज है, ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एयर के पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं, तो ऐसे रीजन को हम लोग वेव के अंदर क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और अगर मैं ये वाले रीजन की बात करूं, ये आप देख सकते हो, आप अगर ये वाले रीजन की बात करें तो ये वाले रीजन को हम लोग रेयर फैक्शन बोलते हैं, जहां पे पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, राइट। तो ये जो साउंड वेव होता है, ये साउंड वेव के अंदर अल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो साउंड वेव अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से बना होता है। कंप्रेशन इज ए पॉइंट और लोकेशन वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर वेरी क्राउडेड, बहुत पास में होते हैं। एंड रेयरफैक्शन इज द पॉइंट ऑन द या तो इन द मीडियम वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर सेपरेटेड फार अवे। तो एक साउंड वेव लगातार एक कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनाते हुए अपने एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसफर करते जाता है, और खुद पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के वो अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। और जिसके अंदर वेव के आगे बढ़ने का डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन
पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल या सेम होता है, ऐसी वेव को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो दस साउंड इज ए लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो देखो यहाँ पे पहले हम वेव का मतलब लिखेंगे। सो व्हाट इज ए वेव, तो बेसिकली ए सिस्टम इन विच देर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। तो यहां पे हमने क्या देखा, ये जो वेव है इसके अंदर एनर्जी का तो ट्रांसफर होते जा रहा है, लेकिन पार्टिकल चल के वहां तक नहीं जा रहे, पार्टिकल तो बस अपने मीन पोजिशन पे ऑसिलेट हो रहे, राइट। तो इसे हम वेव बोलते हैं। अभी हमने साउंड के केस में देखा था, तो साउंड वेव के केस में हम लोग ने देखा था जो साउंड वेव होता है ये एक लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव का मतलब होता है ऐसी कोई भी वेव जिसके अंदर पार्टिकल के आगे बढ़ने का डायरेक्शन, या तो वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव के एनर्जी के आगे बढ़ने का डायरेक्शन सेम होता है, पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल, ऐसे वेव को हम लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, देखो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है और पार्टिकल भी इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है, राइट। तो ये दोनों का डायरेक्शन कैसे है, पैरेलल। तो हम लिखेंगे द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल टू, किसको पैरेलल होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव। आप इसे क्या बोलोगे, लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलोगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव। दस साउंड में यही होता है, तो हम लिखेंगे साउंड इज ए लॉन्जिट्यूडनल वेव। हमारा जो साउंड होता है वो क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है, राइट। और क्या हमने सीखा, साउंड का जो वेव होता है वो लगातार कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से बना होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, साउंड वेव जो होता है, साउंड वेव इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट, लगातार अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ये इस चीज से बना होता है, रेयरफैक्शन, ओके। अब हम लोग यहां पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में बता देते हैं। व्हाट इज कंप्रेशन, तो कंप्रेशन बेसिकली मीडियम का वो वाला रीजन होता है, वो वाला लोकेशन होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्रेशन के बारे में, इट इज दी लोकेशन, बोल देते हैं लोकेशन इन द मीडियम वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड, कौन से पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल, पार्टिकल्स आर क्राउडेड, जहां पे पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत घने होते हैं, राइट। व्हाट इज रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन वो रीजन होता है जहां पे पार्टिकल दूर होते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इट इज द लोकेशन इन द मीडियम वेयर पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दिस इज द केस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो हम लोग ने देखा साउंड बेसिकली क्या है, साउंड एक एनर्जी होता है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ मीडियम, वो आगे बढ़ने के लिए मीडियम का हेल्प लेता है, कौन से मीडियम का हेल्प ले रहा है, एयर मीडियम का। दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज साउंड एनर्जी इज पॉसिबल। तो अगर आप और मैं बात कर रहे हैं और हम दोनों के बीच में कोई एयर नहीं है, दैट मीन्स मैं जो बोलूंगा वो आप तक सुनाई नहीं देगा, इवन आप जो बोलेंगे वो मेरे तक सुनाई नहीं देगा, बिकॉज एनर्जी के ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है। सो साउंड को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो साउंड का जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो वेव के फॉर्म में होता है, जिसके अंदर लगातार कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं, और दस इसके अंदर वेव के आगे बढ़ने का डायरेक्शन और पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन पैरेलल होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अगर आप देखोगे
सपोज आप एक शांत तालाब में एक स्टोन को फेंक दो, तो आप देखोगे पानी इस तरीके से ऊपर और नीचे होने लगता है, राइट, और ऐसे आगे लहर बनने लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ पे एक स्टोन फेंका तो ये आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, तो अगेन ये क्या है, एनर्जी आगे बढ़ रही है, राइट। लेकिन आप देखोगे कि इसके अंदर ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे डार्क वाले, ये ऐसे ऊपर और नीचे वाइब्रेट होते दिखाई देंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पार्टिकल ने जो मीडियम ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और वेव तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो ये और ये कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो जब भी आपके पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव के आगे बढ़ने का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, तो सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। साउंड ट्रांसवर्स वेव नहीं है, बट साउंड इसे लॉन्जिट्यूडनल वेव, बिकॉज इसमें सिस्टम पैरेलल होता है। तो यहां पे हम ट्रांसवर्स वेव का भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं, यू कैन राइट हियर डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव में हम लिख सकते हैं द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर होता है, यहां पे इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल में आप दे सकते हो वाटर वेव, राइट। इसके अंदर क्या होता है, ऑफ मीडियम पैरेलल, राइट। इसमें भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो साउंड इसे लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो इतने सारे कहानी हम लोग ने अभी थोड़ा सा साउंड के बारे में सीखा। अब आगे हम लोग साउंड के वेलोसिटी के फीचर को देखेंगे, साउंड के अंदर और कौन कौन से मैथमेटिक्स होते हैं, पैरामीटर होता है उसके पास, कुछ वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वेलोसिटी होता है, ये सारे चीज कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मेनी मोर थिंग इज गोइंग टू बी कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो बातें हम लोग ने सीखा साउंड के बारे में बहुत अच्छे समझ में आए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे सीखते रहे।